हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपनी लाइफ में बहुत मजे में कर रहे होंगे। आज दोस्तों एक नई चीज के बारे में बात करेंगे। हाँ, हो सकता है कई लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किया होगा, बट आज जो है काफी सारी लोगों का ऐसा जो एडिटर वाला जो भूत होता है ना अंदर से, वो सारा भूत हम निकालने वाले हैं और बिल्कुल ईजी स्टेप में बताएंगे कि आप अगर इस तरह के करीब करीब इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं। देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइन बने हुए हैं। ये सारे अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं दोस्तों, हाँ, इन सब चीज़ों के लिए बहुत एक शॉर्टकट आपके लिए लेके आया है किस तरह से आप ऐसे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर आप अपना पोस्टर बना सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है जिन लोगों को सोशल मीडिया से इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा मैं। ये जो मैं आज बात करने वाला हूं, ये ऐप एक वेब बेस्ड ऐप है जो कैनवा नाम से जानी जाती है। आप बहुत सारे लोगों ने ये सुना भी होगा कि कैनवा एक ऐसी ऐप है जिसमें लोग एडिटर बन जाते हैं, एकदम प्रोफेशनल एडिटर बन जाते हैं। हाँ दोस्तों, सही बात है। ये जो ऐप है आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ देती है और हर तरह से आप यहाँ पे अपना पिक्चर हो, चाहे वाइट बोर्ड हो, चाहे वीडियो हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे पोस्टर हो, एनीथिंग आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस ऐप से। तो नाम है इसका कैनवा और स्टार्टिंग में ये देखिए, आपको यहाँ पे क्रिएटर डिज़ाइन और आपका लॉगिन पासवर्ड। तो लॉगिन कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बार टूल बार मिलेगा, इसमें आपको जाके अपना जितना भी आपका जो ईमेल आईडी वगैरह है वो सारा फीड अप करना है और इससे आपका ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज ये दिखाई देगा। अब इस पेज में सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम डिज़ाइन स्पॉटलाइट से। तो दोस्तों अगर आप स्टार्ट क्रिएटिंग कर रहे हैं, यानी कि आप अभी अभी स्टार्ट किए हैं किसी भी डिज़ाइन को बनाना, तो आपके लिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस हैं जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने बनाना क्या है। सबसे पहले लोगो मेकर, फ्लायर, बैनर, पोस्टर, रेज्यूमे, इनविटेशन, बिजनेस कार्ड, वीडियो इंट्रो, एनीथिंग जो भी आप चाहें बनाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे को आपको मिल जाएंगी। कोलाज मेकर, प्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगली चीज़ पे बात चलते हैं। यहाँ पे बिजनेस के लिए भी, अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप अपने बिजनेस को और एक नेक्स्ट लेवल पे एक्सपेंस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल टूल चाहिए जिससे कि आप सोशल मीडिया और कहीं भी एड अपना चला सकें, उसके लिए एक कंटेंट चाहिए। तो ये सारे कंटेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं। यूज केसेस, फीचर, इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट, अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्लेक्सिबल आपको जो यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रिएट कंटेंट फास्टर, इनवाइट योर टीम, मीडिया पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग, ये बहुत इनिशियल और इसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस में हमें काम आती है। दोस्तों अगली चीज़ें, अगर आप एजुकेशन रिलेटेड कोई पर्सनल हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। टीचर हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से लोगों को आप अपना बिजनेस देना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो पेड वर्जन लेना चाहें तो वो भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप पेड वर्जन की तरफ भी जा सकते हैं। पहले तो इसमें फ्री वर्जन है जिसमें आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करके फ्री वर्जन के साथ में आप अपने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट बना सकते हैं। जो हमने इनिशियल टाइम पे वीडियो के दिखाया था वो सारे फ्री वर्जन में बने हुए थे। अगला जो आता है प्रो है और टीम है। अब प्रो में क्या है, आपको बहुत सारी ऐसी इमेजेस और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स, बहुत सारा म्यूजिक, उसके लिए जो डेटा का एक्सेस करने का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों टीम के लिए है, इसमें आप शेयरिंग कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ में आप अपना अकाउंट शेयर कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों, लर्निंग अगर आपको करनी है कहीं से भी किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आपको लर्न करना है इसमें रिलेटेड एडिटिंग से ओनली, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे को आप देख सकते हैं। ब्लॉग है, डिज़ाइनिंग स्कूल है, इवेंट्स, हेल्प सेंटर, सारी चीज़ें आपको कैनवा पे मिल जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद अगर आप क्रिएट डिज़ाइन पे ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे सेटिंग का एक छोटा सा यहाँ पे आपका अकाउंट सेटिंग का, इसको क्लिक करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अकाउंट सेटिंग का आपका एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसमें आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, हमने कोई नहीं की हुई है, नाम अपना अपलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अगली चीज़ बात करते हैं, हम फिर से अपना यहाँ पे कैनवा के होम पेज पे चले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई एक यूज़र जो इंटरफेस है, बहुत ईजी इंटरफेस है यहाँ पे।
होम पे आप जाते हैं, होम पे आपको ये सारा चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे जो आपने प्रीवियस बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट्स, ये सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप ट्राई कर सकते हैं कि क्या आपने बनाना है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ पे आप एक पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आप बनाने को ये खोल के आपको सामने देगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी हैं, आप टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें कि टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे कौन सा आपको जो सूटेबल लगे। यानी कि आप इनविटेशन कार्ड बना रहे हैं या वैलेंटाइन डेज के लिए बना रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छे से कार्ड बनाते हैं लोग, उसको प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद गर्लफ्रेंड के पास लेके जाते हैं, तो हर पिक्सल्स पे ये आपको परफेक्टली एकदम एडिट करके और एकदम परफेक्टली आपको यहाँ पे डिज़ाइन बना के कैनवा देता है। दोस्तों इसके बाद में सारे टेम्पलेट्स को आप यहाँ पे देखिए, अलग अलग तरीके से यहाँ पे किया हुआ है, सेग्रीगेट, बिजनेस, सोशल मीडिया, वीडियो मार्केटिंग, कस्टम, आप कस्टम प्रिंट भी कर सकते हैं, कार्ड, इनविटेशन, एजुकेशन एंड सो ऑन। अब दोस्तों बात करते हैं अगला यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन है, इसमें फोटोज़ का ऑप्शन है। फोटोज़ आप यहाँ पे देखिए, फोटोज़ भी आपको बहुत सारी मिल जाती है यहाँ पे, एक के बाद एक अलग अलग तरीके से, बैकग्राउंड, फूड, लव, मनी एंड अलग अलग, जैसा जिस टॉपिक पे आप करना चाह रहे हैं काम उस टॉपिक पे आपको यहाँ पे पिक्चर्स मिल जाएंगी। हाँ दोस्तों इतनी चीज़ मैं बता रहा हूँ, फ्री वर्जन के लिए ये ज़रा लिमिटेड है। अगर आप इसके पेड वर्जन पे जाते हैं, प्रो या टीम वर्जन पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है इन सारी चीज़ों को यूज़ करने का। अब देखिए काफ़ी सारे ट्रेंडिंग फोटोज़ यहाँ पे को हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला चलते हैं आइकन्स में, देखते हैं यहाँ पे को आपको काफ़ी सारे आइकन्स मिल जाते हैं, जो आइकन आप यूज़ करना चाह रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग अपनी वीडियो को इम्पेसाइज करने के लिए आइकन्स यूज़ करते हैं, तो ये सारे आइकन आपको इधर मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों अब इसके बाद में देखिए बात करते हैं यहाँ पे ब्रांड टेम्पलेट और स्टार्टर, ये बाकी चीज़ें आपकी किसी काम नहीं आने वाली हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रो वर्जन पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें ठीक है। तो बेसिक रूप से अगर आप काम करना चाह रहे हैं इसमें, उसके लिए सबसे पहले आप क्रिएटर डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने देख ली है कि कैसे इसका बेसिक इंटरफेस है, कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकता है। इसके बाद अगला क्रिएटर डिज़ाइन पे अगर हम क्लिक करते हैं, क्रिएटर डिज़ाइन क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं बहुत सारे, तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं आपने क्या बनाना है। डॉक्यूमेंट बनाना है अपने रिसर्च के लिए तो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आपने किसी को पढ़ाने के लिए बनाना है, व्हाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, वीडियो आपने यूट्यूब वगैरह में डालने के लिए बनानी है तो यूट्यूब के लिए आप वीडियो बना सकते हैं, कार्ड्स अगर आप बनाने हैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने कलीग्स के लिए, किसी के लिए भी आपने कार्ड्स बनाने हैं तो यहाँ से कार्ड्स बन जाएंगे। अगला सर्कल स्टिकर, फ्लायर, यूट्यूब थंबनेल भी बन जाते हैं, बैनर बन जाते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी, पोस्ट, एवरीथिंग यू कैन मेक फ्रॉम दिस ओनली वन वेबसाइट। और अगर हम ऐसा भी कहें तो एक ऐप से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेल प्रॉपर वीडियो और वेल प्रॉपर गाइडेंस की इसमें ज़रूरत है। और दोस्तों आपको अच्छी बात बताता हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन और एंड्रॉयड के लिए भी उपलब्ध है और सेम फैसिलिटीज सारी चीज़ें आपको एंड्रॉयड पे भी मिल जाएंगी, चाहे iOS यूज़ करें चाहे एंड्रॉयड यूज़ करें, सारी चीज़ों के लिए आपको कैनवा पे सेम मिलती है फैसिलिटी। अब दोस्तों अगली बात करते हैं, चलिए इसमें डिज़ाइन कैसे करना है ये सारी चीज़ें देखते हैं। मान लिया हमने पोस्टर बनाना है, ठीक है, पोस्टर हम बनाना चाह रहे हैं, हमने पोस्टर बनाने के लिए टेम्पलेट्स पे क्लिक किया। अब इसके बाद हमने यहाँ से पोस्टर पे हमने सर्च करना है, तो पोस्टर हमने बनाने के लिए यहाँ पे सर्च कर लिया। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्टर्स खुल के आ गए हैं, एक ब्लैंक सा पोस्टर हम उठाते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो ये सारे पोस्टर हम कस्टमाइज़ करके आपको दिखाएंगे अभी किस तरह से आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक किया और इसके बाद ये विंडो हमारे सामने खुल के आ चुका है। विंडो खुलने तक दोस्तों आपको बोलता हूँ, अगर अच्छा लग रहा है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए और उसके बाद शेयर कीजिए उनके लोगों के साथ जिनको एडिटिंग वगैरह से काफ़ी शौक है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं समझ पाते। अब देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हर एक एलिमेंट जो है अलग अलग अपने आप में बटा हुआ है। ये आपका फ्रंट जो पूरा का पूरा कैनवास है वो ये है और उसके बाद में ये आपके अलग 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 जो है एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, आप किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ से हटा सकते हैं, कैसे भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हर एलिमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अब हम इसको डिलीट करेंगे सारी चीज़ें आपको इजीली ताकि समझ में आए। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच के साथ में।
डिज़ाइन सबसे पहले आपके पास में दिख गए हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास में डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे। और उसके बाद में देखिए एलिमेंट्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं एलिमेंट, इसके बाद में यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। आप चाहे तो यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन यहाँ पे कैनवा आपको देता है, आप सर्च कर सकते हैं इसके साथ में। अब अपलोड, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी इमेज को अपलोड करना है या कुछ आप अपने तरह से कुछ क्रिएटिव बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से फाइल्स वगैरह सारी अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगली बात करते हैं टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। ये टेक्स्ट आप यहाँ से ऐड करेंगे, इसके बाद प्रोजेक्ट अलग अलग, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट में जो है अलग अलग आपको यहाँ पे एकदम फैशनेबल टेक्स्ट भी मिल जाते हैं जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कैसे मैं बनाऊँ अपना टेक्स्ट, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, पेड वर्जन भी और फ्री वर्जन भी सारा यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको कैनवा देता है, यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देता है जो भी आपने बनाया है। इसके बाद ऑडियो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए सारे ऑप्शन है। कैनवा एक ये मान के चलिए हब है एडिटिंग का, आप कुछ नहीं जानते लेकिन कैनवा आपको सारी चीज़ें बना के देता है यहाँ पे। यहाँ से आप म्यूज़िक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, उसको कट करना, सारी चीज़ें कैनवा आपको देता है। इसके बाद दोस्तों कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम आगे वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए यहाँ से वीडियोस भी आप बना सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड आप चूज़ कर सकते हैं वीडियो का, या फिर आपकी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन एक बेसिक चीज़ें हो गई। अब ऐप्स भी इसमें एक ऑप्शन छोटा सा आता है, मल्टीपल लोग जो है इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसमें काफ़ी सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट हाँ प्रोफेशनल तरीके से अगर आप जाएंगे तो ये ऐप आपको बड़ी यूज़फुल होंगी। इसके बाद में बेसिकली हम बात करते हैं इसमें एलिमेंट्स ऐड करना है, डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले हमने डिज़ाइन पे बात कर ली। अब डिज़ाइन है, एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं किस तरीके से क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे को आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट का बटन आपका सारा काम कर देता है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें आपने ये कर दिया सारी चीज़ें, अब इसके बाद अगर आपको सेव करना है तो ये पूरे देखिए पूरे एरिया में आपको कहीं भी सेव का बटन नहीं मिलेगा। सेव करने के लिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको। इसमें सबसे पहले आप क्लिक करेंगे शेयर पे, शेयर के बाद देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आपको देखिए PNG सजेस्टेड आ रहा है। अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से इसको करते हैं हम, यहाँ पे किसी भी तरीके से हम यहाँ पे PNG करते हैं, कोई भी एक चीज़ ऐड कर लेते हैं और इसको हमने ऐड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। फ्री डिलीवरी, अब इसमें हम इसको क्लिक करके अपना तरीके से हम बना लेंगे, कस्टमाइज कर लेंगे। I am a learner, yes, I am a just a learner। इसको क्लिक करके यहाँ से घटा देंगे, इसको घटा दिया, I am a learner। अब इसमें हम आप यहाँ देखिए यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों। इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बता देता हूँ, चलिए बेसिकली बात करके देखते हैं, कोई भी एक पिछला बता देते हैं यहाँ से। चलिए मान लिया हमने फ़ोटो लगा ली यहाँ से, और ये सारी चीज़ें ना हमारे पास में रहती हैं यहाँ पे कैनवा में सारी चीज़ें, बहुत इजीली काम आप कर सकते हैं। ये अगली फ़ोटो लगा ली हमने, इसको हमने ये कर लिया, और उसके बाद शिफ्ट अगर आप दबाएंगे तो आप इसको लॉन्गिट्यूडनल ऐसे कर सकते हैं, और उसके बाद ये चीज़ें आप जैसा मर्जी चाहें वैसा इसको एडिट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए ये सारी बातें हो गई, इसके बाद ना सेव करना बताते हैं। ये सारा यूज़ आप करके देखिएगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, एकदम प्रोफेशनल आइटम है भाई साहब। शेयर करने के लिए डाउनलोड करने वाली बात हम बता रहे हैं यहाँ पे, डाउनलोड करने के लिए ये देखिए शेयर पे दबाएंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ कहीं आता है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउनलोड करेंगे यहाँ से, PNG सजेस्टेड है, सजेस्टेड आप चाहे तो JPG, PDF, प्रिंट, MP4, GIF किसी भी वर्जन में आप किसी भी तरीके से इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगली बात क्या है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड कर लिया, बस बात खत्म। ये PNG देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, हाँ ये होता होता फाइनल तक जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका डाउनलोड चालू हो गया, ये देखिए भाई ये चालू हो गया। अब इसी तरीके से ना बड़े बढ़िया तरीके से आप एडिट कीजिए अपने सारे के सारे, जितना भी चाहें कुछ भी चाहें आप उसको एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद आप कहीं भी यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया पे यूज़ कीजिए उसको, रिज्यूमे बनाइए उसका, चाहे कहीं भी आप लगाइए, ये बहुत एक प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करके देगा। देखिए ये जो हमने बनाया था वो देखते हैं हम कैसी उसकी पिक्सल क्वालिटी है, कैसे क्या चीज़ें हैं। तो देखिए खुल के सामने आ रहा है, इसके बीच में आप सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं, बेल आइकन बिल्कुल ज़रूर दबाइए, घंटी बजेगी टन की बड़ी मस्त आवाज आएगी। हाँ दोस्तों चलिए आगे को देखिए, ये खुल के आ गया है सामने, आई एम अ लर्नर,
अब प्रोफेशनल एकदम, देखिए एकदम तरीके से, कहीं कोई आपके पिक्सल्स नहीं फट रहे हैं, कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम प्रोफेशनल आपको यहाँ पे बन के मिल चुका है। तो इस तरीके से आप दोस्तों अपने प्रोजेक्ट्स, अपने पोस्ट और अपने आगे की चीज़ें, जितना भी सोशल मीडिया कंटेंट है, आप ये कैनवा के थ्रू आप बना सकते हैं। और बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप यूज़ कीजिए इस कैनवा को और बढ़िया मज़ा आएगा आप लोगों को। आप देखिए बहुत लंबा वीडियो, ये मत समझिएगा लंबा वीडियो क्या, लेकिन सीखने को कितना मिला आप ये चीज़ को समझिएगा। इस चीज़ में सीखने को मिलता रहेगा दोस्तों, बने रहिए आई एम अ लर्नर के साथ। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस हमारे पास में है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें लेके आएंगे दोस्तों। अगली बार में मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ मस्त सा लेके आपके आपके पास में आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।